नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये चाइनीज पाम है। इसे मैं 2 साल पहले अलीगढ़ से लेके आई थी और इसको मैंने यहाँ नागौर में गमले के अंदर मैंने इसको लगा दिया था, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। इस कारण मैंने इसको जमीन में लगाया, लेकिन जमीन में भी इसने ग्रोथ नहीं की। और इस तरह के मैं 2 प्लांट लेके आई थी, एक प्लांट मैंने अपने पड़ोसियों को दे दिया। तो जो समस्या इसमें आ रही है, वही उनके भी आ रही थी, सेम यही समस्या है। तो साथियों, पहले जानते हैं इसमें मेन समस्या क्या आ रही थी। तो इसमें आप इधर ये देखेंगे, ये जो पत्ती है, ये एक पत्ती निकलती थी और इस तरह से ये जो पत्ती सूख रही है, ये सूख जाती थी, यानी ये ठूंठ रहता था। और ये पत्ती तो मैं काफ़ी बड़ी बता रही हूँ, ये जो आप इसके पास ये छोटी पत्ती देख रहे हैं ना, बस ये निकलती थी। और दूसरी वाली ये जो साइड में, ये भी काफ़ी बड़ी है, और नहीं पहले तो इतनी सी बहुत छोटी छोटी सी होके और वो वहीं सूख जाया करती थी। ये ठूंठ की तरह से ये खड़ा रहता था। इसमें मैंने गौ आधारित 0 बजट वाले सारे प्रयोग मैंने कर लिए, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, बिल्व रसायन और फंगीनाशी और दीमक, क्या पता दीमक हो, उसके भी मैंने ट्रीटमेंट किए, लेकिन इस पे लेश मात्र भी कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मैंने जुलाई से, अभी नवंबर चल रहा है, तो जुलाई से मैंने इसमें ट्रीटमेंट देना शुरू किया, नेचुरल ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो उस नेचुरल ट्रीटमेंट के अंदर इसमें मैंने सिर्फ मल्च किया, प्रत्येक महीने मैंने इस पे मल्च किया। और मल्च के बाद आप देखिए, ये देखिए पत्तियां इसकी, ये 4-5 पत्तियां इसमें मौजूद है। और उससे पहले आप देखिए किस किस तरह से इसमें पत्तियां सूखती थी, आप यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। एक ये पत्ती सूखी पड़ी, ये रही, एक ये रही और एक उधर नीचे है, 4 पत्तियां ये सूखी पड़ी हैं। और 2 पत्तियां आप इधर देखेंगे, एक ये रही, एक ये रही। ये छोटी छोटी पत्तियां हैं ये, और ये काफ़ी छोटी छोटी हैं, यानी ये जड़ में ही पड़ा रहता था, आगे नहीं बढ़ता था। और अब देखिए, अब थोड़ी इसकी यहाँ ज़मीन से इसने ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और अब जब से मैं इसमें नेचुरल फार्मिंग तरीके से मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ, अब मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने लगभग होने वाले हैं और 6 महीने से मैंने इसमें न तो कभी खुरपी चलाई, न किसी और तरह का मैंने इसमें कोई खाद वगैरह कुछ दूसरी चीज़ें मैंने इसमें डाली, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। पहले हमें पानी वगैरह, 2 दिन अगर हम पानी देना भूल जाते थे तो पेड़ 3रे दिन निष्प्राण हो जाता था। अब मुझे उसकी भी टेंशन नहीं रहती है। अगर मैं 5 दिन भी अगर इसमें पानी नहीं देती हूँ तो पेड़ ऐसे सजीव खड़ा रहता है। और साथियों, पहले मुझे चैनल बनाने का कोई विचार नहीं था, कोई इरादा नहीं था, वरना मैं शुरुआत से ही इसकी वीडियो बनाती आपको। लेकिन फिर भी आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या स्थिति रही होगी। इसी तरह से एक और ये प्लांट है, ये रहा, इसे भी आप देखिए साथियों, ये है दूसरा वाला प्लांट। इसे मैं जयपुर से लेकर आई थी, हालांकि मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ। तो साथियों, जुलाई से पहले लगभग ये 8-9 इंच का था, ये यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ तक। इस पे आप ये रेड कलर के आप ये निशान देख रहे हैं, जैसे इस पत्ती पे ये रहा, और इधर भी है, ये कई पत्तियों पर हैं ये रेड कलर के निशान। ये हुआ क्या था, ये रक्षाबंधन पर गेरू से हम शगुन बनाते हैं, जैसा कि इस दीवार पे ये बनाया था मैंने, आप ये देख पा रहे हैं, ये बन रहे। तो जो गेरू होता है वो मैंने इधर साइड में गिराया था, लेकिन इस पेड़ के ऊपर उसके छींटे आ गए थे। तो साथियों, ये उस टाइम पे इतना बड़ा था, ये आप निशान देख रहे हैं, ये हम यहीं से इसको हम देखना शुरू करते हैं। तो ये देखिए अब इसने कितनी ग्रोथ किया है, ये देखिए, ये लगभग 1 फिट ये बढ़ गया है। इसकी ये दूसरी ब्रांच है, इस पे भी ये पत्ती, यहाँ पे ये रेड कलर के निशान हैं, ये रहे। तो ये हम यहीं से इसकी इसको देखते हैं, तो ये देखिए, इसके बाद आपको रेड कलर के निशान नहीं मिलेंगे। ये देखिए, इसने लगभग 1.5 फिट ग्रोथ किया है।
तो साथियों, केवल मल्च से इस पेड़ ने 1 से 1.5 फीट इसने ग्रोथ किया है। हमारा इसमें खर्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ किचन वेस्ट और जो हमारे फसल अपशिष्ट हैं, जैव भार है, हमने उसी से इस पे मल्च किया था। तो साथियों, इसमें हमारा समय बच गया। हम जो बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, जैसे ग्रोथ प्रमोटर है, फंगीनाशी है, खाद हैं, तरह तरह के खाद हैं, वो हम खरीद के लाते हैं, हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। और जबकि जितने भी हम खाद ज़्यादातर लेके आते हैं जैविक, वो उनमें ज़्यादातर धोखाधड़ी निकलती है, उसमें बहुत कम हमें सफलता मिलती है। बाकी वो जो हमारा गोबर होता है उसके मुकाबले भी वो बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो साथियों, समय की बचत, पैसे की बचत, और जो सबसे बड़ी बचत है वो हमारी धरती माता की हेल्थ, वो हमारी बच रही है। और निरंतर मल्च के कारण निरंतर लगातार वो वृद्धि करती जा रही है, उसकी हेल्थ सुधर रही है, खराब नहीं हो रही। आज जितने भी किसान बंधु हैं सभी इस बात को जानते हैं कि रासायनिक के कारण हमारी जमीन की हेल्थ खराब हो रही है। तो हमने तीन चीज़ें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन केवल मल्च करने से हमने उसको बचा लिया। तीन चीज़ें, हमारा समय बच रहा है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारी धरती की हेल्थ सुधर रही है। तो साथियों, एक और आपको इस तरह का पेड़ दिखाती हूँ। ये साथियों सहजना है और इसकी हाइट लगभग हो गई है 10-11 फीट की, इसकी हाइट हो चुकी है। इसको काफ़ी मैंने इसकी कटिंग भी की थी, लेकिन इसकी बढ़ती ही जा रही है हाइट। और साथियों, ये भी मल्च का ही परिणाम है। ये देखिए कितना अच्छा मजबूत ये पेड़ हो गया है। 6 महीने का ही ये पेड़ है, इसे मैंने 15 जुलाई के आसपास लगाया था। और ये देखिए इसकी ये कितनी मजबूत हो गई है इसका तना, और इस पे फली और फूल दोनों ही शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, इस पे भी हम मल्च ही करते हैं, कुछ नहीं इसमें दूसरी तरह का कोई खाद वगैरह कुछ नहीं दिया। ये घास वगैरह है, हम ये भी नहीं काटते, इसमें नेचुरल पद्धति में घास नहीं काटी जाती है। अब भी आप देख रहे हैं ये गाजर पड़ी हुई है, ये ऊपर हमने यहाँ ऐसे डाल दी, ये सूख जाएगी और जो नीचे का जो मल्च है वो गलता चला जाएगा। यानी खाद के रूप में हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको खाद के रूप में बनाते जाएंगे और ऊपर का मल्च सूख के फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो पेड़ हैं उनको न्यूट्रिशंस, उनकी पूर्ति होती रहती है और उनको खाना मिलता रहता है। तो साथियों, आपके पास अगर कोई बाग या कोई घर में कोई पेड़ हैं तो वहाँ पे आप मल्च एक पेड़ से ही आप शुरुआत करें। आप एक पेड़ पे मल्च अवश्य करके देखें, जिससे कि आपको इस मल्च के बेनिफिट अच्छे से मिल जाएं, अच्छे से आप समझ सकें और आप उसको खुद अनुभव कर सकें, और जो हमारे फालतू के खर्चे हैं, मेहनत है, हम उनसे बच सकें आसानी से। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे और किसान साथी हैं उन्हें भी मल्च के बेनिफिट के बारे में पता चले और बहुत ही आसान तरीके से अपने पेड़ पौधों को वो बढ़ा सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो के प्रत्येक मेरे चैनल के प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचें। और इसी के साथ साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार, धन्यवाद। What does perfect even mean? Is there even such a thing?